Hi, let's look at next question. A student purchases some books for rupees 1600. If he had bought 8 more books for the same amount, each book would cost rupees 10 less. The number of books he buys is. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है? एक स्टूडेंट है जो क्या कर रहा है, कुछ बुक्स खरीद रहा है. ठीक है, कितने अमाउंट में, कितना अमाउंट खर्च कर रहा है वो? 1600 रुपीज. अब क्या बोला है, अगर ठीक है मान लेते कि उसने एक्स बुक्स खरीदा कितने रुपए में, लेट ही बॉट एक्स बुक्स फॉर अमाउंट 1600. बट क्वेश्चन में और एक कंडीशन दिया है कि अगर उसने एक्स के जगह एक्स प्लस 8 बुक्स खरीदा, ठीक है, कितने रुपीज में, सेम अमाउंट में, तो यहां पे जो कॉस्ट पर बुक होगी, कॉस्ट पर बुक मतलब क्या होगा? अब मुझे बताओ, अगर मैंने 200 रुपीज में सपोज मैंने 10 मैंगोज खरीदे, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन मैंगो कितना होगा? कॉस्ट ऑफ वन मैंगो मतलब कॉस्ट पर मैंगो, तो कितना होगा? 200 डिवाइड बाय 10, तो कितना होगा? 20 रुपीज पर मैंगो, मतलब एक मैंगो का 20 रुपीज. सिमिलरली उसने 1600 रुपए में एक्स बुक्स खरीदे, तो एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी? 1600 डिवाइड बाय x. सिमिलरली यहाँ पे उसने 1600 रुपए में कितने बुक्स खरीदे? x प्लस 8, तो एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी? 1600 डिवाइड बाय x प्लस 8 रुपीज. समझ में आया? तो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे जो कॉस्ट पर बुक रहेगी और यहाँ पे जो कॉस्ट पर बुक रहेगी, मतलब ये वाला कॉस्ट पर बुक क्या रहेगा? ज्यादा, क्योंकि उसने 1600 रुपए में कम बुक खरीदे और यहाँ पे 1600 रुपए में इससे 8 बुक्स ज्यादा खरीदे, तो ऑब्वियसली कॉस्ट पर बुक क्या रहेगा? यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा, तो ये इसका डिफरेंस कितना है? 10 रुपीज. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक ट्रेडिशनल मेथड, उसमें भी आप अप्रोच में थोड़ा बहुत वेरिएशन बताऊंगा, बट मैं एग्जाम में कौन सी मेथड यूज करेंगे ताकि आपका बहुत सारा समय बच जाएगा वो मैं सबसे एंड में बताऊंगा शॉर्टेस्ट वे. सबसे पहले चालू करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच. ठीक है, अब ट्रेडिशनल अप्रोच या बुकिश अप्रोच क्या होगा, अब मुझे बताओ, ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब गिवन कंडीशन क्या है, कॉस्ट पर बुक दिस माइनस दिस कितना होगा? 1600 डिवाइड बाय x माइनस 1600 डिवाइड बाय x प्लस 8 इक्वल्स टू कितना है? 10 रुपीज. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1600 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 8 इक्वल्स टू 10, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस 8 माइनस x डिवाइड बाय x इंटू x प्लस 8 इक्वल्स टू 10. यहाँ पे 1600 जैसे का वैसा, तो ये x x कैंसिल, तो क्या होगा? 1600 इंटू 8 डिवाइड बाय x इंटू x प्लस 8 इक्वल्स टू 10. तो ये 10, ये 0 गया, तो 160 इंटू 8 इक्वल्स टू x इंटू x प्लस 8. तो ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, ये हो गया बुकिश वे. अब देखो, इसको मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, 160 इंटू 8 इक्वल्स टू x इंटू x प्लस 8. सबसे पहला तरीका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ. दूसरा तरीका देखेंगे जिसमें अपन क्या यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन. ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 160 इंटू 8. तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 160 इंटू 8 इक्वल्स टू 0. अब देखो, ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट कितना होगा, 160 इंटू 8, और सम कितना आना चाहिए, 8. तो क्या होगा, मैं इसको 160 इंटू 8 इसको फिर से फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा. अब देखो, 160 इंटू 8 इसका प्रोडक्ट तो ये होगा, बट इसका सम कितना होगा, 168. या मैंने ये माइनस लिया और ये प्लस लिया तो माइनस 152, तो प्लस 8 मिल रहा है क्या? नहीं. तो मैं इसको फिर से फैक्टराइज करता हूं, तो 60 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8. अब देखो, 16 2 जा मैं 32 ले सकता हूँ और 8 5 जा कितना ले सकता हूँ, 40. तो मैंने प्लस 40 लिया और माइनस 32 लिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, इतना, बट इन दोनों का एडिशन कितना होगा, प्लस 8. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32x माइनस 180 इंटू 8 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो आंसर क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, सॉरी यहाँ से x कॉमन ले लो, x x प्लस 40, और यहाँ से माइनस 32 कॉमन ले लो तो क्या होगा, देखो माइनस 32, 8 कॉमन निकलेगा, फिर 4 कॉमन निकलेगा, फिर से x प्लस 40 बचेगा इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 32 इंटू x प्लस 40 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 32 और x इक्वल्स टू माइनस 40। बट मुझे बताओ नंबर ऑफ बुक्स कभी निगेटिव हो सकते क्या, नहीं, तो आपका आंसर कितना आएगा 32। अब देखो फैक्टराइजेशन से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे आने के बाद यहाँ से स्ट्रक हो जाते हैं, ठीक है, इसमें भी मैंने फैक्टराइजेशन का यूज किया, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आप रेगुलरली फैक्टराइजेशन से एक्वाइंटेड नहीं हो तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन का डायरेक्ट इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अब देखो x इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 160 इंटू 8। अब यहाँ पे एक नंबर प्लस, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, उसी नंबर में 8 ऐड कर रहा हूँ, मतलब ये दो नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए 8, डिफरेंस कितना होना चाहिए 8, और ये दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए इतना। अब मैं इसको फिर से फैक्टर ऐसे लिख सकता हूँ 160 इंटू 10 इंटू 8। अब देखो अगर मैंने 80 इंटू 16 किया तो प्रोडक्ट इतना ही आएगा, बट अब मैंने एक नंबर 16 लिया एक नंबर 80 लिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 64, बट मुझे डिफरेंस कितना चाहिए 8, मेरा प्रोडक्ट तो सेटिस्फाई हुआ, डिफरेंस सेटिस्फाई हुआ क्या, नहीं, तो मैं इसको क्या, देखो मैं अब 10 को फिर से फैक्टराइज करता हूँ, अब ऐसे दो नंबर सोचो जिसका डिफरेंस क्या होगा 8, तो मैं इसको क्लोज क्लोज बनाने की कोशिश करूंगा, मतलब दो नंबर को क्लोज बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे 4 इंटू 5 में डिफरेंस कितने का है 1 का, तो वैसे ही मैं इसको 30 तो इसको 38 तो डिफरेंस 8 होगा, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करूंगा। तो अब देखो 16 इंटू, इसको अगर मैं 2 इंटू 5 लिखा इंटू 8 लिखा तो देखो 8 इंटू 5 16 इंटू 2, 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 8, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 32 इंटू 40, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको 32 इंटू 32 प्लस 8 ऐसे लिख सकता हूँ पक्के से, तो मेरा आंसर कितना होगा x इक्वल्स टू 32। बट इसके लिए आपको थोड़ा बहुत फैक्टराइजेशन पता रहना चाहिए और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आपको ये आ जाएगा। बट अब मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टेस्ट वे में आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करोगे ताकि आपका काफी सारा समय बच जाएगा। ये देखो यहाँ पे इक्वेशन इतना सारा सॉल्व करना पड़ रहा है, अब जब भी वेरिएबल्स आते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कहीं ना कहीं पे, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट तरीका क्या होगा, देखो आपको गिवन कंडीशन क्या है, उसने 1600 रुपीस में कितने बुक्स खरीदे x बुक्स, ठीक है, और तो कॉस्ट पर बुक कितना होगा, जैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं 1600 बाय x, ठीक है, फिर क्या होगा, उसने सेम 1600 रुपीस में कितने बुक्स खरीदे x प्लस 8, तो कॉस्ट पर बुक्स कितना होगा 1600 डिवाइड बाय x प्लस 8 होगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 10, कितना होना चाहिए 10 रुपीस। अब मुझे बताओ आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बुक्स कितने होंगे, तो ये जो भी मेरे ऑप्शंस रहेंगे उसमें क्या दिया है, जो भी मेरे ऑप्शंस थे क्वेश्चन में, जैसे जो भी ऑप्शंस थे, जैसे ए 30 था, बी कितना है 32, सी है 34, डी है 36, 30, 32, 34, 36। अब मुझे बताओ ये जो ऑप्शंस डिनोट कर रहे हैं, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, उसने कितने बुक्स खरीदे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ऑप्शन ए से स्टार्ट करता हूँ, चेक करता हूँ कि कौन सा आंसर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 10 दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं कितना लूंगा 30, तो ये कितना होगा 38, ऑप्शन ए चेक करो तो ये कितना होगा 1600 बाय 30, और ये कितना होगा 1600 बाय 38, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 10, तो सॉल्व करके देखो 1600 बाय 30 माइनस 1600 बाय 38, तो क्या होगा 1600 कॉमन निकलेगा
वन बाय थर्टी माइनस वन बाय थर्टी एट, तो 1600 इंटू एट डिवाइड बाय 30 इंटू 38, ठीक है, तो ये कैंसिल। अब 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 19 इंटू 2, तो ये कितना होगा 4। अब देखो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है क्या, 19 थ्री जा 57, तो 640 डिवाइड बाय 57 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 10 तो कैसे भी नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा क्या, ऑप्शन ए होगा क्या मेरा, नहीं। फिर मैं 32 सेटिस्फाई करके देखता हूँ, तो ये कितना होगा 32, तो ये कितना होगा 32 प्लस 8 40, तो 60 डिवाइड बाय 1600 डिवाइड बाय 32, तो देखो 1600 डिवाइड बाय 32, तो 16 वन जा मतलब ये 100 और ये कितना होगा 2, तो ये कितना मिलेगा 50। अब 1600 डिवाइड बाय 40 ये कितना होगा 40, तो ये कितना मिला मुझे 40, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना मिल रहा है 10 रुपीज, कितना मिल रहा है 10 रुपीज, तो मेरा आंसर ऑप्शन क्या होगा 32। मतलब अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितने मिनट में आ गया, 1 से 1.5 मिनट में। तो अगर 1 से 1.5 मिनट में आप इतने जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आईएएस में आपको बाकी जो जनरल स्टडीज वाले क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी डिफिकल्ट लेवल के, वो अटेम्प्ट करने को ज्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। तो आई विल प्रीफर दिस अप्रोच यूजिंग ऑप्शंस, बट आपको समझ में कैसे आएगा कि ऑप्शन यूज करना है, उसके लिए आपको बाकी मेथड भी पता रहना चाहिए। जैसे हर एक क्वेश्चन आप अगर एक या दो मेथड से सॉल्व करके देखोगे, तब भी आपका ये अप्रोच डेवलप होगा, और ये काफी आसान अप्रोच है जिससे आपका इजीली आंसर आएगा और आंसर गलत होने के चांसेस भी काफी कम है। थैंक यू, वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियोज़।